ट्वेल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखिए हम लोग जो है लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें तो लाइट चैप्टर में आपको मिरर भी बता दिया गया मिस्तार्पण भी बता दिया गया उसे प्रतिबिंब बनना वगैरह लेंस भी आपको पढ़ा दिया गया ठीक है अब कुछ न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं उनको भी देख लेते हैं जिसे पूर्णतः है लाइट चैप्टर एकदम ढंग से समाप्त हो जाए ठीक है थीके? हाँ प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें भाई और हाँ लाइट चैप्टर का जो अदर वीडियो है जो आप ना देख पाए तो उसके लिए आपको चैनल की प्ले में भी जा सकते हैं या डायरेक्ट मैं आपको लाइट चैप्टर की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ हमेशा दे देता हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं और अगर नोट्स आप चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है वहाँ से आप नोट्स फाइंड कर सकते हैं ठीक तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का एक तिहाई होता है तो दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए मीन्स आप हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन को ढंग से रीड करिए रीड करने के बाद आप देखिए क्या क्या आपको गिवन में है ठीक है तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि आपको दिया क्या है उत्तल दर्पण से चालीस सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु इसका मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी दी गई है तो इसका मतलब ये यू है ठीक अच्छा उत्तल दर्पण है उत्तल दर्पण में आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी जो भी होती है ऋणात्मक होती है तो इसलिए यहाँ यू जो है वो ऋणात्मक होगा तो माइनस चालीस सेंटीमीटर मैंने नोट कर दिया है ठीक है इसके बाद चूंकि आपको दिया है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का एक तिहाई है मींस इसका मतलब है प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई में अनुपात आपको दिया है एक बटा तीन इसका मतलब हम लिख सकते हैं चूंकि आवर्धन क्षमता का फार्मूला और एक आवर्धन का होता है ये इक्वल आई अपान ओ अर्थात एक बट्टा तीन तो आवर्धन के सूत्र से लिख सकते हैं एम इक्वल आई अपान ओ इक्वल माइनस वी अपान यू आई अपान ओ की वैल्यू रख दीजिए वन अपान थ्री तो माइनस माइनस वी क्या वी अपान फोर्टी ठीक है यू की वैल्यू पता है आपको तो वी की वैल्यू क्या मिल गई पॉजिटिव हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी की वैल्यू आ गई प्लस फोर्टी पॉइंट थ्री सेंटीमीटर ठीक है इतनी चीजें आपको दी गई थी उससे आपने गिवन में आपको केवल यू था वस्तु की दूरी उसके अलावा आपको प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई में अनुपात दिया था वो था एक बटा तीन इसको जो है जब आवर्धन के फार्मूले पर रखिए आवर्धन के फार्मूले पर रखते हैं तो वी की वैल्यू फाइंड हो गई अब जब यू और वी पता चल गया तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं दर्पण के सूत्र से दर्पण के सूत्र आप यू वी एफ में रिलेशन जानते हैं वन अपान एफ इक्वल वन अपान वी प्लस वन अपान यू तो वन अपान एफ इक्वल हो जाएगा वन अपान फोर अपान थ्री ठीक अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि दर्पण कौन सा है उत्तल दर्पण है उत्तल दर्पण के सभी फिगर आभासी हैं जो कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूर योग के दूरियों रूप में है इसलिए पॉजिटिव है तो वन अपान फोर्टी अपान थ्री प्लस वन अपान यू की वैल्यू माइनस फोर्टी सॉल्व कर दीजिए थ्री अपान फोर्टी माइनस वन अपान फोर्टी जो कि डिनोमेटर सेम है तो डायरेक्ट डिनोरेटर में से माइनस कर लीजिए थ्री माइनस वन मीन्स टू अपान फोर्टी तो वन अपन एफ की वैल्यू टू अपॉइंट फोर्टी तो वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्टी पॉइंट टू मीन ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक तो दर्पण की फोकस दूरी कितना आ गई बीस सेंटीमीटर आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा यदि नहीं आया हो कोई बात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बारह सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने आपकी आपको दर्पण कौन सा दिया गया है अवतल दर्पण अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु छः सेंटीमीटर दूर दूरी पर रखी है प्रतिबिंब की स्थिति का आरेख बनाते हुए आपको गणना करनी है, मीन्स यहाँ आपको प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा ये आपको बताना है मीन्स हमें फाइंड तो वी करना है तो अब आप, आप ये सोचिए जैसे किरण आरेख आपको बनाना हुआ तो आप एक चीज जानते हैं किरण आरेख के लिए जो है अब बारह सेंटीमीटर फोकस दूरी और वस्तु कहाँ रखी गई 6 सेंटीमीटर तो याद होगा कि जो आर आ, यप होता है वो आर बाई टू होता है इसका मतलब ये हो गया कि छः सेंटीमीटर पर वस्तु हो गई और बारह पर वो तो यहाँ से बारह ध्रुप से आप ये पोल है पोल से इसकी दूरी बारह हो गई तो इसका मतलब यहाँ से वक्ता त्रिज्या कितना हो जाएगी बारह दूरी चौबीस मन चौबीस अर्थात आपको सी मिल जाएगा तो सी मिल गया अब मिल गया अब इससे क्या कन्फर्म हुआ वस्तु कहाँ रखी गई है वस्तु आपकी जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई ठीक है ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई है तो जब इसके बीच रखी है तो निश्चित है कि कैसा प्रतिबिंब मिलेगा आभासी होगा ठीक है और ये दर्पण के पीछे ही बनेगा तो अब आपको आर पता चल गया य पता चल गया यू पता चल गया तो आप आप निकाल सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं तो दर्पण की वो फोकस दूरी सेंटीमीटर। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी इसलिए भी माइनस हुआ वस्तु की दर्पण से दूरी यह भी ध्रुप से जब फोकस उसकी चलेंगे भी ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि आपत्तर की विपरीत दिशा में u माइनस सिक्स सेंटीमीटर भी आपको फाइंड करना है अब गोली दर्पण के सूत्र से गोली धर्पड़ का फार्मूला क्या है वन अपान एफ इक्वल वन अपान वी प्लस वन अपान यू बाइलो पुटअप कर दीजिए वन अपान वी प्लस वन अपान माइनस सिक्स इक्वल वन अपान माइनस ट्वेल्व इसको ट्रांसफर कर दीजिए वन अपान वी इक्वल हो जाएगा वन अपान सिक्स ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो वन अपान सिक्स माइनस वन अपॉन ट्वेल्व सॉल्व कर लीजिए एल सी लेके सिक्स टू जो ट्वेल्व टू वन जे टू और ट्वेल्व वन जे वन 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 जे वन तो टू माइनस वन अपान ट्वेल्व या वन अपान ट्वेल्व तो वन अपान वी की वैल्यू वन अपान ट्वेल्व हुई तो वी की वैल्यू ट्वेल्व सेंटीमीटर हम कह सकते हैं क्या था प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा दर्पण से कितनी दूरी पर बारह सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा होगा सीधा होगा आभासी होगा ठीक है तो ये इस क्वेश्चन का जवाब रहा कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख सकते हैं अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से तीस सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है प्रतिबिंब कहां बन रहा है वस्तु के ऊपर ही बन रहा है जहां वस्तु रखी गई है तो अब सोचने की बात है तो दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब तो आपको इसे क्वेश्चन से ही ज्ञात हो गया तो आप क्वेश्चन जब ज्ञात हो गया तो आप जो है यू की वैल्यू माइनस तीस भी माइनस थर्टी य फाफ से पूछा ही रेखी आवर्धन पूछा ही गोली दर्पण का फार्मूला लगाइए वन अपान एफ इक्वल वन अपान वी प्लस वन अपान यू तो वन अपान एफ इक्वल वन अपान माइनस थर्टी प्लस वन अपान माइनस थर्टी और डिनोमीटर सेम है तो दोनोमीटर ऐड कर लीजिए वन अपान इक्वल हो जाए वन अपान एफ इक्वल हो जाएगा माइनस टू अपान थर्टी सॉल्व कर लीजिए माइनस वन अपान फिफ्टी तो अत अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या मिल जाएगी यम इक्वल माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक है अब रेखी आवर्धन चूँकि रेखी आवर्धन पूछा है तो रेखी आवर्धन का फार्मूला आप जानते हैं यम इक्वल आई अपान वो तो आई पता नहीं वो पता नहीं है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई तो दिया नहीं है तो कौन वाला फार्मूला लगेगा माइनस वी अपान यू तो V की वैल्यू थर्टी है माइनस थर्टी यू की भी वैल्यू माइनस थर्टी तो माइनस माइनस थर्टी पर माइनस थर्टी मींस आ जाएगा माइनस वन तो ये लेकिन ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा व वा वास्तविक है ठीक है ये थर्ड क्वेश्चन था भी आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है बारह सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने चार सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका एक सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने अब आपसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो चूंकि अवतल दर्पण दिया ही है तो हम एक चीज जानते हैं कि अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति है सीधा प्रतिबिंब बनने की कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो और लेकिन वो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा लेकिन यहां जो आपको क्वेश्चन में देखिए दर्पण के सामने चार सेंटीमीटर लंबी वस्तु और प्रतिबिंब कितना बन रहा है एक सेंटीमीटर ये स्पष्ट कर रहा है कि प्रतिबिंब जो है वह से छोटा है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा अर्थात इसका आवर्धन तब क्या आएगा ऋणात्मक आएगा ठीक है तो रेखी आवर्धन का फार्मूला लगा दीजिए रेखी आवर्धन यम इक्वल आई अपान ओ इक्वल माइनस बी अपान यू ठीक है तो आई अपान ओ इक्वल माइनस वन अपान फोर हम लिख सकते हैं हमें दिया है प्रतिबिंब की लंबाई वन है वस्तु की लंबाई फोर है तो माइनस वन अपान फोर और चूंकि आई अपान ओ जो है वो किसके इक्वल होता है माइनस वी अपान यू के तो हम ये कह सकते माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अब इसका आप कंपेयर कर दीजिए तो यू इक्वल क्या मिल जाएगा फोर वी U की वैल्यू अब आपको पता चल गई U इक्वल फोर वी और आप आपको पता ही है फोकस दूरी सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दिया गया है ठीक तो अब गोली दर्पण के सूत्र से गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है वन अपान या फ इक्वल वन अपान वी प्लस वन अपान यू ठीक है देखिए आपको दर्पण के सूत्र का जो है निगमन बताया गया है हम अवतल दर्पण का भी कराए हैं और अवतल दर्पण का भी तो वहाँ से जाके वीडियो में आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है अवतल दर्पण तो बहुत पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में ठीक है ना तो बैलू पुटअप करिए ये आपकी वैल्यू बैलू माइनस ट्वेल्व तो वन अपान माइनस ट्वेल्व इक्वल वी रखना ही नहीं चूँकि यू वी के टर्म में है तो वन अपान वी प्लस वन अपान यू की जगह फोर वी तो वन अपान फोर वी ठीक है अब इनको एल सी एम सॉल्व कर दीजिए एल सी एम फोर वी हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो फोर प्लस वन मीन्स फाइव अपान फोर वी ठीक है और अब जो है आप वी इक्वल निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा फाइव माइनस ट्वेल्व अपान फोर क्योंकि वन अपान माइनस ट्वेल्व इक्वल फाइव अपान फोर भी आया तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा सॉल्व करेंगे फोर थ्री या ट्वेल्व हो जाएगा फाइव थ्री या फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन वी की वैल्यू माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर आ गए यू की वैल्यू निकाल ही चुके हैं यू की वैल्यू कितना होती है फोर वी क्वेश्चन के मुताबिक तो फोर वी वी की वैल्यू आप निकाले हैं माइनस फिफ्टीन तो हो जाएगा फोर इंटू माइनस फिफ्टीन जब इसको रखते हैं तो कितना जाएगा पंद्रह चौका साठ फिफ्टीन फोर जीरो सिक्सटी हो जाएगा मीन्स वस्तु जो है वो कितना माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर दूर रखनी होगी तो हम कह सकते हैं कहता है वस्तु को दर्पण से सिक्सटी सेंटीमीटर दूर रखना होगा अगर जब वस्तु को दर्पण से साठ सेंटीमीटर दूर पर रखेंगे तो उस कंडीशन पे चार सेंटीमीटर लंबी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो एक सेंटीमीटर लंबा प्राप्त होगा ठीक है तो ये रही आज की टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल दर्पण में और कुछ बचते हैं उसको पार्ट टू करके दे देंगे मज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे इसलिए इनको आपको लगभग टाइप इसमें जो थी वो करा दिया गया और नेक्स्ट टॉपिक में इसमें इम्पोर्टेंट जो अगर बचे होंगे दो तो चार तो उनको भी हम करवा देते हैं उसके बाद लेंस के न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है उनको करवा देते हैं फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू होगा ठीक है तो प्लीज एक बार फिर आपसे आग्रह है कि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना बोलें भाई ठीक और इसका जो इसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे दी गई है जहाँ से आप डायरेक्ट जो है पूरे लाइट चैप्टर की जितने वीडियो उनको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक चीज़ और मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप अब तक के सभी नोट्स जो आपकी पढ़ाई गई सभी के नोट्स भी फाइंड कर सकते हैं आप डायरेक्ट वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप जुड़े रहिए और नोट्स आप बना डालिए आपके लिए नोट्स है ठीक है स्क्रीनशॉट शॉट लेना चाहें तो चलिए सीरियल्स कर देते हैं ले लीजिए ठीक है इसका ले लीजिए इसका।, इसका इसका ये अंतिम है चार क्वेश्चन थे इनका स्क्रीनशॉट शॉट आप ले सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलते हैं